अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब आप लोगों में से हर कोई को इस फैक्ट में मजा आ जाएगा। ये फोटो देखो और ये बताओ कि इस फोटो में क्या गलती है, मिस्टेक क्या है इस फोटो में, मतलब कुछ मिस्टेक लग रहा है आपको? ये इसमें मिस्टेक ये है कि ये एक फ्रिस्बी को फेंक रही है, ठीक है, ये जो हम लोग खेलते हैं जिससे। और ये जो शैडो आप यहाँ नीचे देख रहे हो, ये आप देख सकते हो कि इसका हाथ में फ्रिस्बी है, पर शैडो में ये क्या, शैडो में हम लोग ये देख रहे हैं, परछाई में ये देख रहे हैं कि ये फ्रिस्बी उनके हाथ से निकल चुका है, पर एक्चुअल में तो वो उनके हाथ में है। तो ये भला कैसे पॉसिबल है? बहुत कोई कहेंगे कि एडिटेड है ये, यार समझो बात को, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको एक कैमरा का एक प्रॉपर्टी सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, कि आप ये जान लो, ध्यान से सुनना। एक रोलिंग शटर इफेक्ट नाम का एक इफेक्ट होता है, रोलिंग शटर। और रोलिंग शटर का मतलब ये होता है कि इस दुनिया का हर एक कैमरा, चाहे वो मोबाइल का हो या फिर चाहे वो DSLR का हो, सब जब भी फोटो क्लिक करते हैं ना, तब क्या होता है कि देखो व्हाइट बोर्ड में फोटो जो क्लिक होता है वो ऊपर से नीचे होता है, ऊपर से नीचे होता है। मतलब मेरा घर ऐसे कह रहा है कि फोटो निकल गया, अब मैं पॉज हो गया, तो इसका मतलब ये जो कैप्चर हुआ है फोटो, ये ऊपर वाला पार्ट पहले हुआ है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट उसके बाद में हुआ, फिर धीरे धीरे पूरा फुल फोटो आया है। ऐसा कुछ होता है कैमरे के अंदर का सिस्टम। तो इसीलिए इस फोटो में ये ऊपर का पार्ट पहले कैप्चर हुआ है और नीचे का पार्ट जो है वो फेंकने के बाद कैप्चर हुआ है। और इस फोटो में आप जो देख रहे हो, इस फ्रिस्बी को इतने जल्दी फेंका गया था ना, और उसका स्पीड इतना था कि वो कैमरा से भी ज्यादा फास्ट था, इसलिए ऊपर का तो ठीक आया है, पर जब वो कैमरा नीचे का पिक्चर बना रहा था, कैप्चर कर रहा था, तब तक वो फ्रिस्बी निकल चुका था। और पता है कैमरा के दुनिया में, फोटोग्राफी के दुनिया में, ये रोलिंग शटर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों में से हर कोई को इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि आपके मोबाइल का कैमरा ऐसे ऐसे फोटो लेता है, ये नहीं कि सिंगल गो में फच करके एक ले लिया, वैसे नहीं, वो ऊपर लेता है फिर नीचे आता है। दैट वाज द फैक्ट।